ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। इस संबंधी पत्रकारों वालों जदों पीड़ित परिवार नाल गलबात की गई तो उन्होंने दस्या कि उन्होंने बेटी का सिविल हस्पताल के डॉक्टरों वालों पथरी का ऑपरेशन किया गया सी। ऑपरेशन के बाद तो ही उन्होंने बेटी की हालत लगातार गंभीर बनी हुई सी, जिस संबंधी असी हस्पताल के डॉक्टरों नाल गलबात भी की सी, परंतु डॉक्टरों वालों उन्होंने भरोसा दिता गया कि उन्होंने बेटी ठीक हो जाएगी, परंतु उन्होंने बेटी की तकलीफ वधदी ही गई और तबीयत ज़्यादा खराब हो जाने कारण असी उसे दोबारा हस्पताल विच ले आए, जिथे उसकी इलाज दौरान मौत हो गई। पीड़ित परिवार ने हस्पताल के डॉक्टरों ते अनदेखी करन दे दोष लगाते हुए कहा कि संबंधित डॉक्टरों वालों उन्होंने लड़की का सही तरीके नाल इलाज नहीं किया गया, जिस कारण उन्होंने लड़की की मौत हुई है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन तो इंसाफ की मांग करते हुए संबंधित डॉक्टर विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करन दी मांग की है। मेरा बच्चा उदन का ही तड़फन डिया, कहिंदा फटाफट करा लो, इहदे बच्चे दानी चो पैण डिया दा नुक्स, फटाफट करवा लो। आई करवा लिया ते पिछे ला के इहदी दर्द नहीं गई, उदन दी इहदी हवा भर गई, हवा भर गई इहदे पेट च। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੂੰ? ਇਹਨੂੰ 17 ਤਰੀਕ ਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੋਈ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਏ, ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਡੈਥ, ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਆ, 6:30 ਵਜੇ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ? दम तोड़ चुके है, मेरी सिस्टर है जी, इनका 17 नवंबर नूं सर ऑपरेशन होया जी, पत्थरी दी ऑपरेशन होया सर, मतलब पिते दी पत्थरी सी, उनका ऑपरेशन होया सर। लेकिन सर मैं डॉक्टर नूं मतलब कि 3-4 दिन तक इन्हें घर भेजता, मरीज सर फिर तंगी च आ गया, परेशानी च आ गया जी, मैं फिर दोबारा इतने लिया सर। मैं रोज़ पूछना सर, दसो सर की गल है, की हिसाब किताब है, दसो मैं की गल है। डॉक्टर मैं डेली सर ठीक हो जाएगी सर, ठीक हो जाएगी, कोई गल नहीं, कुछ नहीं होना। मैं तेरे गुस्से ने कहता सर इदा करके, कहता अभी सदा ही इतने 60 लाख की मशीन लाई दी, ये है वो इदा करके। फिर सर कल देखो यार, कल ऑपरेशन थिएटर गया, मैं फिर लास्ट बारी पूछा, मैं सर तुहाडे हाथ जुड़ के बेंदी, मैं दसो अगर कोई चांस आया दसो, नहीं तो मैं होर कितने लै जाना सर। इन्होंने की किया सर, कहता कुछ नहीं होता, ठीक हो जाएगी। बाद चो सर इंदा ना अचानक कहते टांके फट गए, बिचों गंदगी निकलती है सर। मैं पूछा सर की, कहते मेरे कोर्स तो बाहर है, मैनू नहीं पता सर, ये डॉक्टर की वर्डिंग हैगी जी, कहते 3 साल च मेरा पहली बार केस आया दादा, मैनू नहीं पता की हो रहा जी, दसो सैंपल देता जी, इदा करके अज 2:30 बजे ना सर इदा करके सह औखे लैन लग पी है जी, 2:30 बजे की सर इदा कर रही है। मैं नर्सा नूं कहा सर कि तुसीं डॉक्टर नूं फोन करो, की करना, कहते सानूं नहीं पता, तुसीं जिथे मर्जी लै जाओ, उन्होंने रैफर कर लगे सर, कहते जिथे प्राइवेट होस्पिटल लै जाओ, तो सर प्राइवेट होस्पिटल लैन जोगा इतने लैके आता सर। मैं तो हूँ देखो सर ये दम तोड़ चुकी सर, इदा करके 6:30 बजे ना सर दम तोड़ चुकी है। की मांग की कर दे हो? मांग सर की करो, सानू इंसाफ चाहिए सर। की नाम जी तुहाडा? मेरा नाम नीलम है सर। पिंड किहड़ा तुहाडा? छोटेपुर मेरा, इत्थे ही। की कहना हैगा, किस ने डैथ हुई है? सर सानू तो गुमराही किया गया एक हिसाब का, सानू इन्ना दस्या गया है कि ये अंदर डस्टिंग है, पता नहीं की है, सानू नहीं पता है, कहते ये अंदर पाइप आ के निकालेंगे, सानू फिर पता लगना की है कचरा रह गया। एंड च सानू जवाब दिता डॉक्टर ने कि मेरी समझ तो बाहर है, कहता मैनू नहीं पता एक की अंदरों आ रहा, ना ये पास है ना ये रेशा, कहता पता नहीं मैनू समझ नहीं आता, कहता तुम तो 70% सानू कहता है कि मरीज सही है आया, 40% कहता है कि मैं थोड़ा अंबरसर भी भेज सकता है। इन्हें साढ़े कल कल कन्ना चु गल कभी सैंपल कुड़ी का भेजे, इन्होंने सू करा से टैसट, सू 72 घंटे का टाइम दिता गया है, तो अज सू उन्होंने कहा है कि तुम कुड़ी का ऐसा वो कराओ, सिटी स्कैन कराओ, इन्होंने एक साल का सू इन्होंने पहले दस देता है कि नहीं कहीं कुड़ी थोड़ी रैफर कर देनी है, सू दिलासे दे के रखे है कि नहीं ठीक है थोड़ी कुड़ी ठीक है सर, डॉक्टर सारा पता है सर। ऑपरेशन किस चीज़ का होया? ऑपरेशन पिते की पत्थरी का होया है, इन्होंने सू पुछा दूरबीन ना करिए कद ना करिए, तो अं कही भी हाथ वाला करो, तो डॉक्टर कहता कि नहीं मैं दूरबीन ना करना ऑपरेशन,
ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਬੁੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਬੈਟਰ ਆਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੂਰਬੀਨ ਵਾਲਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮੰਨੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਉਦੋਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਤੰਗ ਆ 6 ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਵਾਦਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਘਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਰ ਉਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ 17 ਨੂੰ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਡੈਥ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਡੈਥ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ 5 ਸਾਢੇ 6 ਹੋਈ ਹੈ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੰਗ ਸਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ PBC ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਸ਼ੰਮੀ ਸਨੋਤਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ